मैं इस वक्त स्कूल में उस जगह पर हूँ जहाँ से कि आप स्कूल के तमाम हिस्से जो हैं इमारत के वो देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये एडमिन ब्लॉक है, ये वही जगह है जहाँ पर इन ज़ालिमों ने प्रिंसिपल साहिबा को भी शहीद किया और बहुत ही खौफनाक तरीके से उनको शहीद किया गया। यहाँ से फिर आर्मी ने रिकवर किए थे दो टीचर्स और कुछ और लोग भी। इसके पीछे जो थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वो ऑडिटोरियम है जहाँ उन ज़ालिमों ने बहुत सारे बच्चों को शहीद किया था, फायरिंग की थी। इसके साथ अगर आप सीधे हाथ पर जाएं तो इस वक्त तो दरख्तों के पीछे, लेकिन ये बिल्डिंग जो है सीनियर सेक्शन की है जहाँ पर के फर्स्ट ईयर के बच्चे और सेकंड ईयर के बच्चे जिनको ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया, जिनको ज़्यादा जहाँ पे जाकर इन्होंने अटैक किया वो हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये टोडलर्स छोटे बच्चों का एरिया है जहाँ पर के वो पढ़ा करते थे। सो मैं आपको लेकर चल रही हूँ कि कहाँ से ये दहशतगर्द दाखिल हुए, कैसे उन्होंने ऑपरेशन किया, कैसे पाक फौज ने इनको कॉम्बैट किया, किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिर किया गया। ये वो जगह है जहाँ से कि ये दीवार फांक के एंटर हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे इसके फसलें हैं, छोटी सी गलियां हैं, रेजिडेंशियल इलाका भी है। किसी को खबर नहीं हुई, किसी ने नोटिस नहीं किया कि कोई शख्स है इस तरह की हरकतें या कार्रवाइयाँ कर रहा है। सामने ये हमें ऑडिटोरियम की बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग जहाँ पर के बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, जहाँ पर के बहुत सारी शहादतें हुई हैं, जहाँ पे मेन इन्होंने जो टारगेट किया हुआ था एरिया जहाँ पे इन्होंने अपनी मज़मूम कार्रवाई जो करनी है। और बहुत जल्दी पाक फौज ने इसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उतने वक्त में भी वो इसमें ऑडिटोरियम में अपना जो टारगेट था उनका उसे तकरीबन अचीव कर चुके थे। उन्होंने यहाँ पर जितने बच्चों को शहीद करना था, जो कुछ करना था वो उस वक्त में वो सब कुछ करने में कामयाब हो गए। यहाँ से फिर वो भागे हैं आगे और वहाँ पर एडमिन ब्लॉक में और सीनियर सेक्शन में उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की। और पाक फौज जो कि वहाँ से उन्होंने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया, इवैक्यूएट किया और वो फिर वहाँ से एंटर होकर उन्होंने इनको कॉम्बैट किया है, इनको फेस किया है और इनको फिर यहाँ पर रोका है, कॉर्नर किया है और इन चारों दहशतगर्दों को फिर यहाँ पर हलाक किया गया। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे टेररिस्ट इस दरवाजे से अंदर आए थे और उन्होंने किस दरवाजे से? उस लेफ्ट राइट वाले दरवाजे से। जी वो वाला दरवाजा। अच्छा जी। और उन्होंने अंदर आकर फायरिंग शुरू कर दी थी और उसमें बहुत बहुत बच्चे जख्मी हो गए थे। आप जख्मी हुए थे? जी मुझे हाथ पर लगी थी। और बाकी जो बच्चे हैं जो आपके साथी थे उनमें से भी बहुत सारे, तकरीबन 15 लड़के तो हमारी क्लास के शहीद हुए हैं। मैं उस तरफ बाहर एडम ब्लॉक की तरफ बाकी चला गया था। अच्छा। तो वहाँ पर स्टाफ रूम के वॉशरूम में मैं छुप गया था, तो इसलिए हमें नहीं पता चल रहा था कि आर्मी किस टाइम आई, कब उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। और जो फायरिंग और ब्लास्ट हो रहे थे वो आर्मी वाले कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसका हमें कुछ नहीं पता था। इन दहशतगर्दों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये समझते हैं कि इन्होंने इस डरपोकी का मुजाहरा करके ये समझते हैं कि वो मुल्क में दहशत फैला देंगे तो बिल्कुल गलत समझते हैं, क्योंकि हम अभी ज़िंदा हैं और जब हम उनका मुकाबला करेंगे और हम अपने दोस्तों के खून का बदला लेंगे। मेरा नाम उवैस है। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस तरह कम होता कि दो लोग जो हैं, पहले फायरिंग स्टार्ट हुई है तो प्रिंसिपल लोग जो है दरवाजे की तरफ गए हैं, एक देख रहे थे कि क्या हाल अहवाल है बाहर। तो फिर अचानक से ही इन्होंने बैक वाले डोर से ही इन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़े तो अंदर आए हैं और फायरिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर दी, जिससे सारे बच्चे ज़मीन पर लेट गए थे और उन्होंने जो बच्चे भाग भी रहे थे उन्होंने उनको भी निशाना बनाया है और फिर जो है लाइन वाइज आके बच्चों को मार रहे थे और चेक कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे ऑडिटोरियम को मार दिया था। फिर दो सर्स बच गए थे सर साबिर और सर फजल करीम, तो उन्होंने चंद बच्चों को कहे कि उठ जाएं, अभी भागते हैं हम लोग। तो हम लोग जो हैं फिर स्कूल विंग की तरफ गए हैं, क्लास 7C में हम लोग छुप गए। बस फिर उसके बाद आर्मी वाली आई है, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। मेरे साथ असल में इस तरफ भी जो बच्चा बैठा हुआ था वो भी मर चुका था और इस तरफ भी, तो मेरा हाथ और पांव जो है वो खून से भरे हुए थे, तो उन्हें ये शक हो गया होगा कि बस ये भी मर चुका है, तो इस तरह उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मेरे तकरीबन सारे दोस्त शहीद हो गए, सिर्फ 10 बच्चे बच गए होंगे। अली हैदर, आप उस दरवाजे के बिल्कुल आगे खड़े हो जहाँ से उस दिन दहशतगर्द दाखिल हुए थे। नहीं, मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। इस तरफ से आए, बहुत ज़ोर से खड़काने लगे थे, हमें फर्स्ट एड के बारे में बताया जा रहा था, पीछे से आए उन्होंने आते ही बच्चों पे फायरिंग कर दी। अच्छा, आपको पता चल गया था कि कोई हमला करने के लिए आए हैं?
था? उन्होंने आते ही 7 बच्चों पे फायरिंग की थी, इससे पता लग गया था हमें। अच्छा, तो फिर आप नीचे छुप गए? जी। फिर वो तो मैंने सुना है कि एक एक को चेक कर रहे थे और मार रहे थे। एक एक को चेक कर रहे थे ना, एक एक पे मैंने, मेरे साथ खून पड़ा था, मैं वहाँ पे लेट गया है, फिर वो कहीं और गए थे। पिछले दरवाजे से हमें निकाला था, क्लासों में ले गए थे, फिर आर्मी आई थी, फिर उन्होंने हमें महफूज किया था। हमारा पेपर था ऊपर हॉल में, तो मैं वॉशरूम के लिए नीचे आया हुआ था। तो यहाँ पे से इनकी एंट्री हुई है, यहाँ इस कॉरिडोर में से, तो यहाँ मेरा और उसका सामना हुआ है, दहशतगर्द था, उसने स्ट्रेट फायर किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे नहीं लगी गोली। तो मैं वहाँ नीचे लेटा रहा हूँ 5 मिनट के लिए। अच्छा। वो यहाँ से आगे की तरफ आए और मैं वहाँ से पीछे, एक 7th की क्लास थी, तो मैं उनमें उसमें जाके छुप गया। तो वहाँ बच्चे थे छोटे और मैडम थी, वो रो रही थी, तो उनको पकड़ा जाके वहाँ कंट्रोल किया बच्चों को। तो यहाँ ऑडिटोरियम में मेरा अपना भाई था छोटा, तो ये ऑडिटोरियम में फायरिंग हुई है, तो मैं चीखे मारता हुआ भाई के पीछे भागा हूँ। तो मेरे एक टीचर ने मुझे पकड़ा, मुझे कहते हैं आपने वहाँ नहीं जाना, आपका भाई इंशाल्लाह ठीक होगा। तो बस अल्लाह की करनी हुई कि वो मेरा भाई भी था, वो माशाल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से। भाई कहाँ है? यहीं पर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे, आप ऑडिटोरियम में थे? जी। अच्छा, और आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो दाखिल हुए, उन्होंने एक एक बच्चे को देखा? मैंने दाखिल तो उनको देते देखा, क्योंकि मैं फर्स्ट रो में था, इसलिए जल्दी से बाहर निकल गया था। आप कहाँ से बाहर निकले थे? मैं वो फर्स्ट रो में वहाँ उसी गेट से बाहर निकल गया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप कहाँ? उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट गेट से बाहर निकल गया था, बैक गेट से बाहर निकल गया। उसके बाद कोई लड़का, 23 लड़के बाहर आए थे, उसके बाद कोई लड़का बाहर नहीं आया था। उसके बाद कोई लड़का बाहर नहीं आया। सही। अच्छा, क्या पैगाम आपका है? हम तो अभी भी स्कूल में आए, हर रोज इधर ही आएंगे, हर हमारा दोस्त इधर आ रहे हैं, हम तो दोबारा आएंगे, डरते तो नहीं हैं। डरते नहीं हैं? नहीं, फिर अभी अभी इतने चाहते आगे किए सीने, अभी दोबारा कर लेंगे, क्या है। सो दैट्स द स्पिरिट। ये है वो हौसला जो कि इस वक्त स्कूल में, उस बिल्डिंग के बाहर, उन बच्चों का जिन्होंने के खुद ये तमाम सानहे को देखा है, ये दिलदोज वाक़यात के आग लगाई गई, बच्चों को एक एक करके फायरिंग की गई, चेक किया गया कि वो ज़िंदा हैं, जो भाग रहे हैं उनको भी शहीद किया गया, इसके बावजूद उनके हौसले और उनकी हिम्मत जो है वो इस दर्जा जवान है। सो सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चे जो हैं वो पैदा किए हैं, और सलाम है उन माओं को जिन्होंने कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने कि समझा कि उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर वार करके हमें डरा दिया है, हमें खौफजदा कर दिया है। क्लियर मैसेज है कि सुन लें वो सब बच्चे क्या कह रहे हैं।